अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप दोस्त? आप देख रहे हैं फरहाल अफजल अफरीदी यूट्यूब चैनल। आज हम यूनाइटेड 70 बाइक का रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये बटन जो है ये लाइट के हैं और ये इंडिकेटर का है, हॉर्न का बटन है। पुराने मॉडलों में जो लाइट के बटन थे तो वो राइट साइड पे यहाँ पर आते थे। स्पीड मीटर 120 का इसका होता है और तकरीबन 90-80 तक ये स्पीड मारती है। इसका इंजन की बात करें तो इंजन इसका 78 CC का है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इसमें यहाँ पर टेपेट लगे हुए होते हैं। ये चेसिस नंबर है इसका, बिल्कुल हैंडल के नीचे ये चेसिस नंबर लिखा हुआ होता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में इसका लाइट होता है और साइड पे इसके जो है इंडिकेटर लाइट्स होते हैं। ये लाइट के नीचे हॉर्न है और ये जो लगा हुआ है यूनाइटेड का लोगो लगा हुआ है इसका। तो सीट की बात करते हैं तो सीट इसका कंपनी का अपना ही है, क्योंकि मेरे पास इसके टाइम हो गया है, 2 साल तकरीबन हो गए हैं। वही सीट है, गियर लेवर है, ये 4 गियर होते हैं इसमें। ये गियर लेवर है, यहाँ पर CDI यूनाइटेड का फिर से लोगो लगा हुआ है इसका। बैक साइड की बात करते हैं तो ओल्ड मॉडलों में जो इंडिकेटर होते थे तो यहाँ पर बिल्कुल आते थे, और ये नए मॉडलों में यहाँ पर आते हैं। इसके इंडिकेटर राइट साइड पे आते हैं। तो किक है जैसे स्टार्ट होती है, ये ब्रेक है, ये क्लच का तार लगा हुआ है, यहाँ से क्लच, ये इसका जो है ये स्पेयर गार्ड है। ये ज़रूरी चीज़ है, आप सब इसको जब नई बाइक ले तो लगाएं इसको, क्योंकि ये आपको एक्सीडेंट में आपके टांगों को बचाती है। तो ये है इसका मुबलेन डालने वाली जगह, ये कार्बोरेटर है इसका, पेट्रोल टैंकी से ही आता है, फिर इंजन को जाता है यूरो 2 US 70। और बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की, फ्रंट टायर की, तो ये कंपनी का लगा हुआ है, पिछला वाला मैंने चेंज किया हुआ है। टैंकी इसकी 12 लीटर की होती है, 12-14 लीटर इसमें तकरीबन आते हैं। और ये एक्सीलेटर है, फ्रंट ब्रेक है, मिरर लगा हुआ है, ये मिरर लगाने की जगह है। अगला वाला, दूसरा वाला जो मिरर हुआ होता है तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर इसकी जगह होती है, जो मेरे वाले से टूट गई है, क्लच है ये। और न्यूट्रल और इंडिकेटर के लाइट हैं, आप इंडिकेटर या न्यूट्रल करते हैं तो इसकी लाइट आपको शो करती है यहाँ से। ये जो है ये हैंडल लॉक है इसका, आप जब बाज़ार वगैरह में कड़ी करते हैं तो ये लॉक आप लगाते हैं।